સુરતના કડોદરા ખાતે આવેલ શિવમનગરના લોકોએ સુરત કલેક્ટરાલયે પહોંચી આવેદનપત્ર આપી જણાવ્યું હતું. શિવમનગરમાં અસામાજિક તત્વોના આતંક જોવા મળે છે, વારંવાર હેરાનગતિ કરાય છે. દારૂ, ચરસ, ગાંજો જેવા માદક પદાર્થોનું વેચાણ કરે છે આવા અસામાજિક તત્વોથી તેમને છૂટકારો આપવામાં આવે, આ વિસ્તારમાં પોલીસ ચોકી સ્થાપિત કરાય તેવી માંગણી કરાઈ હતી. તો આ અંગે મીડિયામાં વધુ માહિતી આપવામાં આવી હતી. आप लोग मीडिया वाले से यही हमको है कि आप लोग सहायता हमको करके और उसको फांसी के सजा के दिवाइए. फांसी होना चाहिए वैसे, और वैसे माँ बाप को हमारे सोसाइटी में नहीं रहना चाहिए. सोसाइटी में आके हम लोग को धमकी देता है. वो लोग अभी तक धमकी दे रहे, उन लोग को हिम्मत है अभी तक. दो दिन पहले नाम से. नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं प्रदीप सिंह राजपूत, राष्ट्रीय अध्यक्ष फरियादी संघ मानवाधिकार NGO. आज हम कड़ोदरा विस्तार के सत्यम शिवम नगर के पीड़ितों की मांग को लेकर माननीय जिलाधिकारी महोदय के समक्ष एक आवेदन पत्र के माध्यम से मांग रखा है कि सत्यम और शिवम नगर में जो अराजक तत्वों की असामाजिक प्रवृत्ति चल रही है, दारू, गांजा, शराब आदि की बिक्री हो रही है और गुंडों तत्वों का जमावड़ा हो रहा है, उसको तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए और सुलह, सुरक्षा और शांति के लिए वहाँ एक चौकी, पुलिस चौकी की स्थापना हो, जिससे भविष्य में जो अभी पुनः आपराधिक घटनाएँ घट रही हैं, जैसे कि विगत महीने में एक अपहरण और अपहरण के बाद फिरौती के बाद हत्या की गई, ऐसी घटने का पुनरावृत्त न हो, इसलिए वहाँ एक पुलिस चौकी की स्थापना हो और अराजक तत्वों के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई तत्काल हो, ये मांगनी लेकर के हम लोग जिलाधिकारी महोदय के समक्ष एक आवेदन पत्र देकर रजवाद की है कि हम सत्यम शिवम नागरिकों के हक और अधिकार के लिए तत्काल कार्रवाई. प्रदीप सिंह राजपूत, ब्यूरो रिपोर्ट, S9 न्यूज़, सूरत.